मूवी की शुरुआत में हमें स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की जिसका नाम एलिस होता है उसे दिखाया जाता है। एलिस जिस स्कूल में पढ़ती है उस स्कूल के नियम कानून कायदे बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। वहीं हमें एलिस को देखने को मिलता है कि वह बहुत ज्यादा शर्मीली और डरी डरी रहती है। वहीं एक दिन स्कूल में सेक्स एडुकेशन की क्लासेस चल रही होती है जहां पर टीचर मर्फी बताते हैं कि शादी से पहले किसी और इंसान के साथ सोना पाप है। वो आगे बताते हैं कि सेक्स गॉड का दिया हुआ एक गिफ्ट होता है जिसका एक एम है। तभी एक लड़की खड़ी होकर कहती है इसका मकसद होता है शादी के बाद हमारे जनरेशन को आगे बढ़ाना। तब टीचर उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, इसलिए हमें ये सभी चीजें शादी से पहले नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सभी चीजें शादी से पहले करना पाप है। तभी दोबारा एक लड़का खड़ा होकर कहता है क्या हम शादी से पहले खुद को प्लेजर दे सकते हैं। तभी टीचर कहता है कि शादी से पहले किसी तरह के सेक्स एक्टिविटीज करना पाप है। फिर सेक्स एडुकेशन की क्लास खत्म होती है और हमें बाहर देखने को मिलता है एलिस अपने दोस्त के संग खड़ी है। तभी उसकी दोस्त कहती है कि ये कैसा बकवास स्कूल है क्योंकि हम लोग सिर्फ एक मर्द के संग ही सो सकते हैं, ये तो बहुत ही घटिया रूल है। तभी एलिस उसके अगेंस्ट में कहती है कि टीचर ने सही कहा है, ये सभी हमारे रूल्स के खिलाफ है। तभी एलिस की दोस्त कहती है अगर ऐसा ही है तो तुम टाइटेनिक के सीन्स को बार बार घुमा घुमा कर क्यों देखती हो। तब एलिस कहती है कि मुझे यह सब जानने की इच्छा होती है इसलिए मैं ये सभी चीजें को देखती हूँ। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एलिस अपने घर पर जाती है और AOL पर चैट करती है। AOL एक तरह का चैटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि फेसबुक से पहले इस्तेमाल किया जाता था। जब एलिस AOL चैट यूज कर रही होती है तभी एक अननोन आदमी उसे एक न्यूड फोटो भेज देता है जिसे देखने के बाद एलिस कंप्यूटर को बंद कर देती है। पर जब एलिस को दोबारा वो देखने का मन करता है तब एलिस दोबारा ऑनलाइन आती है। तब वो आदमी उसे मैसेज करता है जिस मैसेज में लिखा होता है ASL, ए मतलब एज, एस मतलब सेक्स, एल मतलब लोकेशन, जिसका जवाब एलिस दे देती है। फिर आगे देखने को मिलता है एलिस उस आदमी के संग बहुत सारी एडल्ट बातें कर रही होती है। फिर वो आदमी एलिस को दोबारा एक न्यूड फोटो भेज देता है जिसे देखने के बाद एलिस अपने स्कर्ट में हाथ डाल रही होती है तभी उसकी माँ आवाज देती है। आगे एलिस अपने दोस्त के संग स्कूल में बैठी रहती है तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो एलिस से कहती है कि तुमने मेरे पर्सनल वीडियो को लीक किया है। पर इस बात में कोई सच्चाई नहीं होती है क्योंकि एलिस को लीक करने का मतलब भी नहीं मालूम है। तभी एलिस पूछती है कि इसका मतलब क्या होता है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम इतनी शरीफ भी मत बनो। तभी अगले दिन स्कूल के सारे बच्चे एक ट्रिप पे जा रहे होते हैं तभी एलिस की दोस्त कहती है कि वो देखो क्रिस कितना हॉट दिख रहा है। तभी एलिस उसे देखने लगती है। फिर आगे देखने को मिलता है कि सारे बच्चे अपने लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। तभी ग्रुप की लीडर नीना एलिस के पास आती है और उससे उसका मोबाइल फोन और वॉच मांगती है क्योंकि मोबाइल फोन और वॉच रखना ग्रुप के रूल के खिलाफ है। पर एलिस अपना वॉच तो दे देती है पर मोबाइल फोन अपने पास ही रखती है। इसके बाद आगे टीचर हॉल में सभी बच्चों को ये बता रहे होते हैं कि हमें गॉड के संग अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए, जिसके बाद वो सभी बच्चों को एक फॉर्म देता है जिसमें उन्हें अपनी फीलिंग्स को लिखना होता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है एलिस स्कूल के रूल को ब्रेक कर देती है जिससे सजा के रूप में उसे कैंप की सफाई करनी पड़ती है। आगे देखने को मिलता है वेड एलिस के पास में आता है और उसे कहता है कि तुमने हमारे वीडियो को लीक कर दिया जिसके बाद हमारा ब्रेकअप हो गया। तभी एलिस कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम भी नहीं है। इसके बाद एलिस अपनी खिड़की के बाहर देखती है कि उसके ग्रुप की लीडर नीना जो कि उसे खुद रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बता रही होती है वो खुद किसी दूसरे लड़के के संग गलत हरकतें कर रही होती है। ये देखकर एलिस अपने दोस्त के पास जाती है और उसे ये सभी चीजें बताती है बट उसकी दोस्त उसकी इस बातों पर यकीन नहीं करती है। फिर आगे देखने को मिलता है उसे स्कूल के टीचर जो कि बच्चों को खुद रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं वो खुद एक अडल्ट वीडियो देख रहे होते हैं। ये देखकर एलिस को बहुत ज्यादा खराब लगता है क्योंकि जो टीचर पाप और पुण्य के बारे में बता रहे होते हैं वो खुद गलत हरकतें करते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलती है क्रिस वहाँ पर एलिस से मिलने के लिए आता है तभी एलिस उसे किस कर देती है। ये चीजें देखकर क्रिस को बहुत ज्यादा खराब लगता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर आगे देखने को मिलता है एलिस एक क्लब में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात गीना नाम की एक लड़की से होती है। गीना कहती है कि वो किसी भी तरह के रिलीजियस चीजों को नहीं मानती है क्योंकि वो जो कुछ भी करती है वो गॉड के रूल्स के खिलाफ हो जाता है। ये सभी चीजें सुनकर एलिस को बहुत अच्छा लगता है और वो समझ जाती है कि ये सभी चीजें करना गलत नहीं है। इसके बाद एलिस अपने कैंप में वापस जाती है और अपने टीचर मर्फी से कहती है कि मैंने तुम्हें गलत वीडियो देखते हुए देख लिया था। एलिस समझ जाती है कि उसके टीचर मर्फी जो भी कुछ उसे ज्ञान दे रहा था दरअसल वो एक दिखावा है। और बात रही रूल्स फॉलो करने की तो इंसान से कहीं न कहीं रूल्स टूट जाते हैं, इसके लिए
उन्हें अपने आप पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अब ये आपके समझ के ऊपर है कि स्कूल में जो टीचर रूल्स के बारे में बता रहे थे वो सही है या एलिस का थॉट सही है, ये सभी आपके ऊपर है। तो आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं ये वीडियो को खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए या डिसलाइक करिए, बट अपना रिस्पॉन्स जरूर शेयर करिए। पर चैनल को बिना सब्सक्राइब के हुए मत जाना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।